कठुआ शहर में पूर्व सांसद व डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के संस्थापक चौधरी लाल सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली सांबा पहुंची। इस दौरान चौधरी लाल सिंह ने जमकर सरकार की नीतियों की आलोचना की। हमारा ये प्रदर्शन था तो कल 4:30 बजे सुबह छोड़ दिया था। फिर रैली के लिए जो हमारा इंतजाम था उसको फिर हमने देखा कि आगे करना क्या। कल फिर शाम को पता चला कि सांबा के बच्चे जो नौजवान हैं, सांबा के लोग अभी उठे नहीं। तो जब सांबा के लोग नहीं उठे तो जो हमारे नजदीक लोग थे उनको हमने कॉल किया कि आप आ जाएं। ये जो हजारों लोग आए ये बड़े पास के लोग हैं, अभी दूर वाले सारे लोगों को रोक दिया था, इसलिए कि हमने बच्चों की रिहाई के लिए बात की थी। अब सांबा के नौजवान और वहाँ के बच्चों ने और सांबा के लोगों ने अपनी भूख हड़ताल, वो जो उनके साथ युवक रायपुर सवा के जो बच्चे इनके पास छूट के गए थे, तो उन्होंने उनको उठाने की बात करी होगी तो बात तो वहाँ बनी नहीं, तो वो लड़के बैठे रहे। अब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम लोग सिर्फ छुड़ाने के बाद खामोश हो जाएं। तो हमने फिर प्रयास किया कि आज सांबा वाले नौजवानों से मिलेंगे। सांबा वाले नौजवानों को क्या रिक्वायरमेंट है उनकी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा हमने टोल के लिए बैठे थे, डेफिनेट उनको छुड़ाने के लिए भी बैठे थे लेकिन टोल के लिए बैठे थे खास करके। अब टोल जब बंद ही नहीं किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम धरना नहीं छोड़ेंगे, नहीं रुकेंगे। तो उन्होंने धरने को बनाए रखा। और हमारा फर्ज बनता है बीइंग ए डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी, हमारे डुग्गर प्रदेश में कहीं भी कोई डोगरा अपनी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, तो हमारी पार्टी उसके लिए तात्पर है, उसके लिए तैयार है। तो हम सारे लोग मोटरसाइकिल यहीं छोड़ के हम सारे गाड़ियों पे उनके साथ मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, वो कैसे बात होती है, तो उसके बाद सरकार से बात करेंगे कि उनका टोल नहीं खत्म करेंगे। फिर उनको अल्टीमेटम देंगे हम भी कि दिन देंगे, इतने दिनों तक नहीं किया तो फिर हम पूरा जम्मू सड़कों पे आएगा और फिर टोल प्लाजा की तरफ हम सारे सरोवर की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि एक बात मान ली सरकार ने, छोड़ दिए, अब दूसरी बात के लिए जो लोग बैठे हुए हैं हम उनके समर्थन में सहयोग करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये टोल शोल नहीं रहेंगे जब हमारी सरकार होगी। तो जब कभी भी मौका मिलता है सरकार बनाने का या डेमोक्रेटिक इलेक्शन आता है, कहीं काउंसिल का, कहीं सरपंचेस का, पंचेस का, हमने सबको कहा है अपने अपने रिज्यूम दे दें। जिसने भी कमेटियों में, कॉरपोरेशन में, काउंसिल में इलेक्शन लड़ना है तो अपने रिज्यूम दे दे, सरपंच का लड़ना है, पंच का लड़ना है, रिज्यूम दे दे। हम तहकीकात करेंगे, जो लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे और अच्छे पाए जाएंगे उन सबको इलेक्शन लड़ाएंगे। बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि अपने ही बंदे को पालेंगे, अपने को कहेंगे लूटते रहो, फिर पैसा लगेगा टिकटों के लिए। ये पहली पार्टी होगी डोगरों की जो फ्री इलेक्शन लड़ाएगी और फ्री हमारे लोग जीतेंगे। और अगली जितने भी इलेक्शन होंगे किसी भी जगह के, हमारी पार्टी मजबूती से उभर के सामने आएगी। और ये इलेक्शन जीतने के बाद फिर एमपी का, लोकसभा का 2024 में इलेक्शन आता है, तो फिर हम सारे लोग
ये दो सीट्स हैं जम्मू की, इस पे बंदे खड़े करेंगे जिसमें एक बंदा मैं हूँ, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी तो मैं लड़ूंगा। अगर ये जम्मू के लोग, मेरे इलाके के लोग चाहेंगे, देखा है मुझे सारे लोग मजबूर कर रहे हैं, अब पार्टी शार्टी भूल जाओ लोगों, मेरी रिक्वेस्ट है डोगरा स्वयं संगठन पार्टी है और आपकी पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कश्मीर से जीतती है, पीडीपी जीतती है, वहाँ की रीजनल पार्टी, तो जम्मू की रीजनल पार्टी जो पहली बार बनी है, इसके एमपी क्यों नहीं बनेंगे, इसके एमएलए क्यों नहीं बनेंगे, इसके सरपंचेस पंचल, इसके कमेटियां क्यों नहीं बनेंगी, ये हमने सारी। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191-255-4360। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर एक्साइड नियो ई रिक्शा पर पाएं विशेष ऑफर, एक 32 इंच की एलईडी मिलेगी बिल्कुल फ्री। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।